हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने बालों का और अपने स्किन का प्रॉपर केयर कर रहे होंगे। हमने अक्सर ये ज़रूर देखा है जब जब मौसम चेंज होता है हमारे जो बाल होते हैं काफ़ी ज़्यादा डल, डैमेज और ड्राई हो जाते हैं, और जो उसकी शाइन होती है वो भी गायब सी हो जाती है और स्प्लिट एंड हो गया या तो हमारे बालों में डैंड्रफ एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक मिराकुलस राइस हेयर मास्क। राइस हेयर मास्क इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे बालों के लिए क्योंकि जो हमारा जो रूट होता है, जो हमारे बालों की जड़ें होती है उसको मजबूत करता है। अक्सर हम अपने बाल को जब कोम करते हैं तो हमारे अनगिनत बाल हमारे कोम में लग जाते हैं, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए राइस हेयर मास्क बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये हमारे बालों को एक थिकनेस प्रोवाइड करता है, बालों को सॉफ्ट और चमकदार बनाता है। तो चलिए इस हेयर मास्क को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया हुआ है राइस जिसको मैंने रात को सोख कर रख दिया था। अगर आप किसी वजह से रात को नहीं सोख कर पाते तो आप इसे दिन में एक घंटा सोख कर लीजिए और इसको थोड़ा सा पका लीजिए। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें तब तक इसको बॉईल करना है तब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। और जैसे मैं आगे हेयर मास्क बनाने वाली हूँ एकदम सेम प्रोसीजर से आप इसको यूज़ करिए। तो मैं यहाँ पर ग्राइंडर में चावल को डालूंगी और उसके बाद जो पानी की ज़रूरत जितनी होगी हम उसमें इतना पानी डालेंगे। और जो पानी हमारा बचा इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इसे स्प्रे वाटर में डालकर अपने बालों पर आप स्प्रे कर ले, आपके जो रूट है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और ये देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी सा पेस्ट बन चुका है। तो इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे बनाना। बनाना जो है वो एक कंप्लीट कंडीशनर होता है बालों के लिए, जिन्हें दो मुहे बाल हो जाते हैं तो उनके लिए बनाना बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की कर देता है और बालों को रिपेयर भी कर देता है। बनाना को डालने के बाद जो ये बनाना की स्किन बची है इसे हमें बिल्कुल भी हटाना नहीं है, हमें इसको चाकू की मदद से इस तरीके से कट कर ले और उसके बाद आप इसको अपने स्किन पर अच्छे से मसाज कर ले क्योंकि बनाना से हमारी स्किन ब्राइटन होती है और हमारे स्किन पे नेचुरल ग्लो भी आ जाता है। और जो ये हेयर मास्क है ये 100% नेचुरल है और बहुत ही हेल्दी है हमारे हेयर के लिए। और लास्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पर जाएगा कर्ड जो कि बालों को डैंड्रफ कम करने में हेल्प करता है, हमारे बालों को सिल्की और सॉफ्ट बनाता है और ये एक कंडीशनर का भी काम करता है। आप कर्ड को अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर्ड डालने के बाद हमें इन सभी को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ताकि ये स्मूथ और क्रीमी सा पेस्ट ईजिली बन जाए। और ये देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया इसका टेक्सचर है, हमें इसको बोल में निकाल लेना है। इसे बालों पर कम से कम 30 से 45 मिनट के लिए बालों पर लगाकर छोड़ दीजिए, चाहे तो आप शावर कैप भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप अपने बालों को नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। आपको इतना ज़्यादा अपने बालों में फ़र्क दिखेगा, आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की हो जाएंगे। और जिनके बाल थोड़े से कर्ली या फिर वेवी होते हैं अगर वो ये हेयर मास्क यूज़ करते हैं तो उनके जो बाल है धीमे धीमे स्ट्रेट भी होने लगते हैं। ये हेयर मास्क इतना पावरफुल होने के साथ साथ इतनी कमाल की बात इसमें ये भी है कि इससे आपके बाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।